आज की वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड मैथ डी वन स्टार्ट किया हुआ था उसी को कंटिन्यू करेंगे, टू सिक्स साइज स्टार्ट करेंगे आज। टू सिक्स साइज बहुत ईजी है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फाइंड, हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इस ये जो टू ए एंड टू बी जो है एक्सरसाइज वो बहुत ईजी है, उसकी वीडियो भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी, लेकिन टू सी जो है थोड़ी सी वो कुछ स्टूडेंट को इसमें इश्यूज आ रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले टू सी की वीडियो अपलोड की जाए देन टू ए एंड टू बी की करूँगी। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है, बेसिकली सिंपल मेथड ही मल्टीप्लाई करने का, लेकिन साइन का थोड़ा सा जो है ना आपको लॉजिक बताना ही है कि साइन को आपने कैसे आंसर में लिखना है। अगर हमारे पास दो वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन करने के साथ साथ आपके साइन की जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। तो हमारे पास इसका ए पार्ट है, ए पार्ट हमें दिया हुआ है थ्री मल्टीप्लाई माइनस नाइन। अब थ्री को हमने माइनस नाइन से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स कि थ्री नाइन से क्या होगा हमारे पास ट्वेंटी सेवन होगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा। हमने प्लस और माइनस में ये रूल पढ़ा हुआ है कि अगर साइन बड़ी वाली के साथ हो तो हम आंसर में साइन लिखते हैं, लेकिन ये रूल जस्ट प्लस और माइनस के लिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए ये रूल है कि दोनों में से किसी एक नंबर के साथ माइनस का साइन लगा है ना, वो बेशक बड़ा है या छोटा है तो आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अगर दोनों में से किसी एक नंबर से लगा हुआ है, जैसा ये इसके साथ कोई साइन नहीं, मीन्स के साथ प्लस है। ठीक है, अब इसके साथ हमारे पास प्लस का साइन है और यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होंगे तो साइन कौन सा आएगा आंसर में, माइनस। मैंने इसलिए माइनस का नहीं लगाया कि ये नाइन बड़ा है इसलिए इसके साथ है, मल्टीप्लाई का ये रूल है कि दोनों में से किसी एक के साथ भी अगर माइनस का साइन होगा तो हम आंसर में माइनस लगाएंगे, लेकिन अगर दोनों के साथ आएगा हो, अगर दोनों के साथ माइनस साइन हो देन फिर हम क्या करते हैं, हम फिर प्लस लगाते हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आएगा इसके आगे वो हम कराऊंगी, उसका मेरे ख्याल से इसका सी एंड डी पार्ट दोनों इसी पैटर्न से होंगे। एट फोर था हमारे पास होता 32, साइन कौन सा आएगा माइनस। ओके, देन हमारे पास है सी पार्ट इसका, ये जो क्वेश्चन है आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है ऊपर एडवाइस लिखी हुई है नॉट यूज़ अ कैलकुलेटर, मीन्स की एडवाइस तो नहीं खाया इस क्वेश्चन के, उन्होंने रूल्स लगा हुआ है एक छोटा सा। वैसे डी वन में मैथ इस तरह का होता है कि कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है, लेकिन ये क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर आपने करना है। अब ये देखिए 75 से क्या होगा 35, राइट, तो 35 माइनस माइनस, अगर माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, माइनस माइनस हमारे पास मल्टीप्लाई करने में प्लस हो जाता है, तो आंसर भी इसके अंदर प्लस आएगा आंसर में। ठीक है, ये छोटी सी लॉजिक है जो आपको समझानी जरूरी है कि अगर दोनों में से किसी एक के साथ साइन लगा है माइनस का तो इट मीन्स आंसर में आएगा, अगर दोनों के साथ लगाया तो इट मीन्स आंसर में प्लस आएगा माइनस नहीं आएगा, और अगर दोनों के साथ प्लस है तो प्लस ही आएगा, फिर तो कोई रूल है, फिर तो वो मसला है ही नहीं। जस्ट माइनस के लिए दो तीन रूल होते हैं, उनको आपने रिमाइंड रखना है जब भी आप ये क्वेश्चन करें। डी पार्ट हमें दिया हुआ है माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस सिक्स, सेम ये बिल्कुल सी जैसा क्वेश्चन है, सिक्स वन जा सिक्स होगा और इसका आंसर क्या आएगा प्लस सिक्स। प्लस बेशक ना लगाएं कोई इशू नहीं है, जस्ट आप सिक्स भी लिख दें तो भी इनफ है। देन हमारे पास इसका ई पार्ट है, ई पार्ट में लिखा हुआ है माइनस टू ब्रैकेट माइनस सेवन। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोई साइन ना हो और ब्रैकेट हो इट मीन्स कि मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, टू सेवन जा फोर्टीन, दोनों के साथ माइनस साइन इट मीन्स यहाँ पे आंसर में प्लस आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है माइनस सिक्स मल्टीप्लाई ज़ीरो, तो माइनस सिक्स हो या कोई भी नंबर हो जब उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इट मीन्स कि वो ज़ीरो हो जाता है। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था जो बहुत इजी था, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। अब हम इसके बी पार्ट सेकंड पार्ट तरफ मूव करते हैं, सेकंड में उन्होंने कहा है डिवाइड करना है, इवेलुएट द फॉलोइंग। ठीक है,
अब देखिए हमारे पास इसका फर्स्ट दिया हुआ है -21/7, तो आपने इसको डिवाइड नहीं करना लाइक इस तरह करके, आप जिसका टेबल पढ़ें 7 में 21 का बाद 3 जा तो 3 आएगा, लेकिन साइन डिवाइड के भी उससे मल्टीप्लाई करके रूल है कि दोनों में से अगर किसी एक के साथ भी साइन लगा हुआ है माइनस का तो आंसर में माइनस आएगा, ठीक है। सेम मल्टीप्लाई वाला रूल जो है ना इसके अप्लाई करना है आपने। बी पार्ट इसका दे रहे हैं वो हमें 16/-2। अब यहाँ पे आपने 16-2 नहीं कर देना, ये डिवाइड का साइन मीन्स कुछ डिवाइड ही करना है, 2 के में 16 आता है 8 जा तो साइन माइनस का आएगा, क्योंकि हमारे पास हमने भी पढ़ा है कि दोनों में से किसी एक के साथ भी माइनस साइन होगा मीन्स आंसर भी माइनस का आएगा। देन सी पार्ट है इसका -8/-2। अब इसका साइन तो प्लस आएगा, 2 के में 8 का बात है 4 जा तो ये हमारे पास ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके आंसर को थोड़ा सा मैं प्रोमिनेंट कर देती हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। ये जो बॉक्स है डेट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, अब हमारे पास का डी पार्ट जो है, डी पार्ट में वो कह रहे हैं -14/2। इसमें इस फॉर्म में भी लिखा हो इसका मतलब भी डिवाइड ही होता है, तो 2 का 2 1 2 2 7 14 तो 7/1 माइनस, तो नीचे जो वन होता है उसकी वैल्यू नहीं होती इसलिए जस्ट -7 इसका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका ई पार्ट 15/-5। अब 5 1 5 होगा, 5 3 15 तो हमारे पास 3/-1 बन रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा -3, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ कि दोनों में से किसी एक के साथ माइनस का साइन है इट मीन्स कि आंसर भी हमारे पास माइनस में आएगा, ओके। नेक्स्ट इसका है -18/-3 ए एफ पार्ट, ये लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। अब 3 18 का बात है, 3 6 18 साइन कौन सा आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास इसका सॉल्व हो चुका है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द स्केयर रूट, स्केयर रूट फाइंड करना है विदाउट कैलकुलेटर। अब ये कैसे फाइंड करते हैं विदाउट कैलकुलेटर, ये भी एक बहुत ईजी मेथड है, मैं इसका भी आपको एक ईजी सा मेथड बताऊँगी, आप उससे अपना जो किसी भी नंबर का स्केयर रूट फाइंड कर सकते हैं। ये हमें दिया हुआ है फर्स्ट ए पार्ट 81, देन बी दिया हुआ है 16, ठीक है। अब ये देखें आपने क्या करना है, 81 है, आपने इसको आप छोटी क्लास में इस तरह एलसीएम लेना सीखा होगा। अब 81 ऐसे लिखना है आपने, 2 के टेबल से करेंगे, 2 के टेबल से नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट पे हमारे पास ओड नंबर है, 3 के टेबल से कर लेते हैं, 3 2 6, ठीक है। इसने 8 में से 6 यूज़ कर लिए हैं, ये 2 7 वाले को दे देगा, अभी 21 बन गया है, 3 7 21, ठीक है। अब 3 फिर 3 के टेबल से होगा, 3 9 27, फिर 3 से होगा, 3 3 9 3 1 3। आपने कोशिश ये करनी है कि कोई स्मॉल नंबर चूज़ करें, लाइक यहाँ पे 81 था तो मैं 9 के टेबल से भी कर सकती थी लेकिन मैं नहीं किया, आपने कोई छोटा नंबर चूज़ करना है, लाइक मैं 3 चूज़ किया, तो आपने स्केयर रूट में लिखना है इसको। स्केयर रूट का साइन ये होता है, आप इस तरह साइन बनाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे 3 × 3 × 3 × जो भी इसके फैक्टर्स आए हैं वो आपने इसमें लिखने हैं, ठीक है। अब ये फैक्टर्स को आपने लाइक इन दोनों को करें और इन दोनों को करें तो ये स्केयर बन जाएगा, 3 छोटा सा स्केयर लिखें ऊपर मल्टीप्लाई 3 स्केयर। अब ये स्केयर जो है स्केयर रूट से कट जाएंगे दोनों, और दोनों 3 × 3 सिंगल बाहर आएंगे स्केयर रूट कट के, ठीक है। तो 3 3 9, तो 9 इसका आ गया हमारे पास स्केयर रूट। अब 16 का भी सेम ऐसे ही करना है, आपने 16 को भी ऐसे लिखना है आपने, ठीक है। 2 के टेबल से करें, 2 2 8 16, ठीक है, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। जिस नंबर पे आता है वो हम नंबर यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और उसका आंसर ऊपर लिखा होता है, लाइक 2 4 यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। इस तरह आपने इसको सोचना है कि किस नंबर पे आता है, तो इसका इसको स्केयर रूट में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 2 × 2 × 2, ठीक है। अब इसको भी स्केयर रूट के फॉर्म में लिखते हैं, स्केयर के फॉर्म में, ये स्केयर इस स्केयर रूट से कट जाएगा और हमारे पास 2 × 2 बाहर आ जाएगा,
यहाँ पे आपने इक्वल लगाते जाना साथ साथ, टू जा हो जाएगा फोर। हाँ जी, हमारे पास के आंसर्स आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 25, सी पार्ट है 25 एंड डी पार्ट है हमारे पास 10 कह दिया मैंने। हाँ जी, 25 है, 25 का भी आपने सेम ऐसे ही करना है। 25 तो 5 के टेबल से ही होगा, 5 है 25, 5 1 5। तो ये तो बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था, 5 × 5 और 5 का स्क्वायर लेंगे तो कट जाएगा और 5 हमारे पास आंसर। ठीक है, अब ये 100 है, 100 का भी आप ऐसे ही करें, 100 का 2 के टेबल से कर लेते हैं, 2 × 5 = 10 0। फिर 2 से करेंगे, 2 × 4 1 इसको दे दिए, 2 × 5 = 10। अगर आपको ये मेथड यहाँ समझ नहीं आ रहा, आप ऐसे कर सकते हैं, 50 को अंदर रखें, 2 को बाहर लिखें, 2 × 4 माइनस किया 10 आ गया और यहाँ पे 0 निकालेंगे, 2 × 5 = 10। जी, हमारे पास जो डी पार्ट है इसमें भी आपने ये हमने इसको किया तो हमारे पास 25 आ गया। तो आप ये मेथड करके भी देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो 25 आ रहा है। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा तो आप उसको डिवाइड करके चेक करें। ठीक है, अब ये 5 के टेबल से होगा, ठीक है, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 5। अब हम इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो इसका आएगा 2 × 2 × 5 × 5। तो हमारे पास ये 2² × 5² हो जाएगा और स्केयर स्केयर जो है ना स्केयर रूट से कैंसिल होकर हमारे पास 2 × 5 बाहर आ जाएंगे स्केयर रूट से, देन हमारे पास आंसर हो गया 2 × 5 = 10। अब ये सब के आंसर्स आ चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है, उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमें स्केयर रूट ही सॉल्व करना है। स्केयर रूट हमें दिया हुआ है 81 का भी हमने निकाला है, सेम वही प्रोसेस है, आपने वैसे ही करना है जैसा मैंने अभी निकाल के दिखाया आपको, और आपने इसका लिख देना है। यहाँ पे जब ये स्केयर रूट से आता है तो वहाँ पे आपने आंसर के साथ प्लस माइनस लिखना है। ठीक है, एक चीज़ थोड़ा सा मिस हो गई थी, वो आपने लाजमी लिखनी है, +-10 +-4 इस तरह। अब ये देखेंगे हमारे पास हमने ऑलरेडी स्केयर रूट में दिया हुआ है, यहाँ पे हमने खुद स्केयर रूट में लिखा था। जब खुद स्केयर रूट में लिखेंगे देन आप आंसर में प्लस माइनस लिखेंगे, लेकिन अगर खुद उन्होंने स्केयर रूट लगा के दिया हुआ है देन आप आंसर में प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। इसका आंसर सेम इसी मेथड से करेंगे आप, ठीक है, 3 × 3 × 3 × 3 स्केयर रूट स्केयर कट बाहर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9। तो मीन्स कि यही सारा मेथड होगा, लेकिन आंसर में प्लस माइनस नहीं लगाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, उसमें बी पार्ट दिया हुआ है, ए पार्ट ये था 4, स्क्वायर रूट 4 दिया हुआ है। अब 4 का तो बहुत इजी है, अगर हम 4 का इस तरह करें, 2 के टेबल से 2 × 2 = 4 and 2 × 2, तो ये आ जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर कट के बाहर आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है 9, स्क्वायर रूट 9 लेकिन बाय माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाय माइनस लिखा है तो इट मीन्स आपने जो आंसर निकाला है उसके बाद माइनस लगा देना और कोई मसला नहीं है। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, क्योंकि हमें पता है कि 3 × 3 या 3 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 9 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 3, लेकिन आंसर में आप साइन माइनस का लगाएंगे क्योंकि आप बाय माइनस लिखा हुआ है। देन इसका डी पार्ट करेंगे, डी पार्ट इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस लिखा हुआ है तो ये इसका पॉसिबल नहीं है। वैसे 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, हमें पता है इसका आंसर 6 हो सकता था, लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आए तो हम कहेंगे दैट इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं हमें कि आपने -2 का क्यूब फाइंड करना है, ये छोटा सा 3 लिखा हुआ है इसको क्यूब कहते हैं। ठीक है, -2 का क्यूब मीन कि आपने -2 × -2 × -2 इस तरह करना है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4, दोनों के साथ माइनस का मतलब यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है, देन लिखिए -2,
अभी देखो इन दोनों में से अब एक के साथ माइनस और एक के साथ प्लस का साइन है, आंसर में तो माइनस साइन आएगा, 4 2 8 इस तरह इसका आंसर है। आपने इसको इस पैटर्न से सॉल्व करना है, ठीक है, माइनस 8 इसका आंसर है। नेक्स्ट माइनस 5 का क्यूब पूछा उन्होंने, मार्कर से लिख देते हैं ताकि नजर आ जाए आपको, ए और बी क्लियर से हमारे पास ये लिखा हुआ है। अब इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, माइनस को ओपन अप कर लें, माइनस फाइव मल्टीप्लाई माइनस फाइव, इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास प्लस 25 मल्टीप्लाई माइनस फाइव, और इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 125, ठीक है, ये हमारे पास का रिक्वायर्ड आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो सबको साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है और बहुत सिंपल मेथड से हो रहे हैं ये, ठीक है। मैं डी बार भी लिख देती हूँ, माइनस 6 का क्यूब का आया है, हाँ जी देखिए माइनस 10 है, अब माइनस 10 का क्यूब क्या होगा, माइनस 10 मल्टीप्लाई माइनस 10 मल्टीप्लाई माइनस 10, ठीक है। अब माइनस 10 को माइनस 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, लेकिन प्लस मल्टीप्लाई माइनस 10 तो हो जाएगा 1000, लेकिन माइनस, ठीक है। अब इसको करेंगे माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 6, तो 6 को 6 से करेंगे 36, लेकिन प्लस 36 मल्टीप्लाई माइनस 6, फिर इसको करेंगे 6 को 36 के साथ तो हमारे पास आएगा 216 माइनस, ठीक है। अब आप चेक करें हमारे सारे आंसर आ चुके हैं, बिल्कुल क्लियर है ये, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, उसमें उन्होंने कहा हुआ है, ए पार्ट दिया है हमें माइनस 27 क्यूब, क्यूब रूट दिया है, इसे क्यूब रूट कहते हैं, पहले स्क्वायर रूट था और ये क्यूब रूट है क्योंकि यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा हुआ है। अब इसमें भी क्या करना है, आपने सिंपली वही 27 का एलसीएम लेना है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि एक ही टेबल यूज़ करना है, लाइक 3 का स्टार्ट किया तो आप 3 से इसे सारा कंटिन्यू करेंगे, टेबल चेंज नहीं करेंगे। तो 3 9 का 27, 3 3 का 9 एंड 3 1 का 3। अब आप यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और बाई छोटा सा 3। अब ये 3 के ऊपर आपने इस तरह स्केयर नहीं लगाना है, यहाँ पर लिखना है 3, क्योंकि 3 है ना, ठीक है। अब ये जो 3 है क्यूब रूट से कटेगा और ये सिंपल जस्ट 1 बाई आ जाएगा, ये वाला ये जो बड़ा सा लिखा है मैंने, ये वाला बाई आएगा, ये दोनों कट के, तो इसका आंसर क्या होगा, 3, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट इसका माइनस बाई स्केयर क्यूब रूट के और क्यूब रूट 64 लिखा हुआ है, इसका भी सेम आपने ऐसे ही करना है, 64 2 6 का बात है 3 जा 4 का बात है 2 जा 2 1 जा 2 1 इसका 2 6 जा 12 फिर 2 टर्म 16 का बात है 8 जा 8 का बात है 4 जा एंड 4 का बात है 2 जा एंड 2 का बात है 1 जा, ठीक है। अभी देखें कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपने बनानी है क्यूब रूट की और इसमें लिखना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 हुए 6। अब इसकी हमने इसको 3 लाइक 2 छोटा सा 3 मल्टीप्लाई 2 3 मीन्स इन तीनों को मिला के एक दफ़ा लिखना है, इन तीनों को मिला के एक दफ़ा, ठीक है। अभी देखें अब ये क्यूब रूट्स दोनों कट जाएंगे और आ जाएंगे इस क्यूब रूट से बाहर 2 रूट 4, इसका आंसर क्या आएगा 4, लेकिन स्क्वायर इस क्यूब रूट के बाहर माइनस का साइन लिखा हुआ है, मीन आंसर में माइनस का साइन आएगा, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्यूब रूट 8, ठीक है, सी पार्ट इसका, ये भी बहुत ईजी है, आपने 2 के साथ करना है 2 4 8 2 1 2, ठीक है। तो हमारे पास 8 का क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, क्यूब रूट लिखा है यहाँ पे और 2 का क्यूब, और ये कट जाएगा हमारे पास आ जाएगा बाहर, तो इसका आएगा आंसर 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस 216 क्यूब, अभी 216 आ रहा है यहाँ पे,
216 की अगर हम बात करें तो हम इसको करते हैं लाइक इसका भी यहाँ पे हम लेंगे 2 को टेबल से कर लेते 2 1 2 2 8 16, लेकिन 18 का नहीं यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे आप, ठीक है। अगर आप 108 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो देन हमारे पास जो है ना 216 आएगा। अब 2 5 10 2 4 8 2 3 2 2 4 1 इसको दे दिया 2 7 14, अब 3 के टेबल से होगा 3 9 देन 3 3 देन 3 1। अभी देखिए इसका क्या आ रहा है हमारे पास, हम इसको इसी फॉर्म लिख देते हैं लाइक ये 2 3 है और 3 भी हमारे पास 3 है, हम लिखेंगे 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, ठीक है। अभी क्यूब रूट इसके साथ कट जाएंगे और 2 मल्टीप्लाई 3 बाहर आ जाएगा और आ जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 6, ओके। अभी भी हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें वो कह रहे हैं -55 + -10 -10, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपने, पहले तो ये ब्रैकेट रिमूव करनी है ना, -55 + -10 -10, ठीक है। अभी देखें पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल आप भूल जाएं कि ये लिखा है यहाँ पे, इतना सॉल्व करना है। -10 - -55 हो जाएंगे -65, ठीक है। आपने तो यहाँ पे देख लें इसको ऐड करके माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन वो आएगा जो बड़ी वाली के साथ है, फिर देन लिखेंगे -10। अब फिर इसको करेंगे -65 और -10 को -75 हो जाएगा, करेंगे हम प्लस लेकिन साइन वो आएगा जो बड़ी वाली के साथ है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस होगा। तो इसका आंसर क्या आया, -75, ठीक है। बहुत सिंपल था क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है -12 - ब्रैकेट लगाई है, फिर एक और ब्रैकेट है, देन है -8, ठीक है, देन -2 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट एंड +3, ठीक है। अभी देखें पहले तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना, जो बाहर लिखे हैं उनको बाद में देखना है। अभी ये हमारे पास है -8, -, ये क्या हो जाएंगे +2, ठीक है। ये फिर ये जो छोटी वाली ब्रैकेट है इसको ख़त्म कर देंगे लाइक ये वाली ब्रैकेट जो है एंड +3, 8 में से जो निकाले हमारे पास आ जाएंगे -6, क्योंकि साइन माइनस का ही आएगा। अभी देखें अब इस ब्रैकेट को रिमूव करना है, पहले ये लिख देते हैं ब्रैकेट, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को रिमूव करना है तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हम लिखेंगे 12 + 6 + 3। अभी तीनों प्लस के साइन आ रहे हैं तो अभी देखिए इनको ऐड अप करेंगे तो क्या होगा हमारे पास। हाँ जी, अभी देखिए हमारे पास आ गया है -12 + 6 + 3, 6 and 3 हो जाएगा 9, -12, 9 में से हम निकालें 12 में से 9 निकालें हमारे पास आ जाएगा -3, डेट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपने साइन को ध्यान से देखते हैं, आप भी नोटबुक निकालें और इसको साथ साथ सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। +-45 + -5 + 20, इसमें भी पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, हो जाएगा -100 + -45, फिर +-5 + 20। अभी देखें इसको सॉल्व करते हैं लाइक -400 और -445 कितने हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा लेकिन होगा ये ऐड 145, ठीक है, -5 + 20 एज इट इज आ जाएगा। अभी -45 और -5 हो जाएंगे -150 + 20 + -120, में से 150 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -130, ठीक है। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। बहुत इजी है क्वेश्चन, होपफुली आपको ये समझ आ रहे होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन आता मुझे इनबॉक्स कर दें या फिर कमेंट सेक्शन में बता दें। नेक्स्ट हमारे पास है डी पार्ट इसका। डी पार्ट में क्या करना है, -2
प्लस 3 मल्टीप्लाई 15। हाँ जी, इसमें क्या करना है, पहले इसका हमने माइनस 2 एंड 3 हो जाएगा हमारे पास 1, लेकिन पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 3 15 ज़ा 3 5 ज़ा 4 15, 3 1 ज़ा 3 and 4। फोर्टी फाइव प्लस टू माइनस, अब 45 में से 2 निकालेगा हमारे पास आ जाएगा 43, लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी वाली के साथ हमारे साथ प्लस का साइन है। अगर एक साथ मल्टीप्लाई प्लस या माइनस दिए तो आपने मल्टीप्लाई को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसके एफ पार्ट की तरफ, वो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है। हाँ जी, इसके एफ पार्ट में क्या करना है, हमने एफ ने सॉरी ई पार्ट करना है, हमने ई ई में लिखा हुआ है माइनस 5 माइनस 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई माइनस 3। हाँ जी, ये देखिए, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, हालांकि इसमें प्लस माइनस आ रहा है लेकिन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई से भी पहले प्रेफरेंस मिलती है। तो माइनस 5 और माइनस 2 को जाएगा माइनस 7 मल्टीप्लाई माइनस 3, और 3 7 का 21, और साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे पास प्लस। ये मल्टीप्लाई करने के लिए रूल आपने भूलने नहीं है, मल्टीप्लाई और प्लस माइनस के जो रूल हैं इसको मिक्सअप नहीं करना। देन हमारे पास इसका एफ पार्ट है, एफ पार्ट दिया हुआ है हमें माइनस 25 मल्टीप्लाई ब्रैकेट माइनस 4 डिवाइड ब्रैकेट माइनस 12 प्लस 32 ब्रैकेट 1। अभी देखें इसमें पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड, क्वेश्चन ये है, लेकिन पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी। 32 में से 12 निकालें 0 एंड 3 में से 1 निकालें 2, तो ये जाएगा 20 डिवाइड। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले, ठीक है, मल्टीप्लाई 25 को 4 से करेंगे तो 100 आएगा, साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। अब 100 को हम 20 से डिवाइड करें, 25 ज़ा 100, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5। कोई साइन नहीं आएगा इसके साथ, मीन्स के कोई नहीं, इट मीन्स प्लस का साइन है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका जी पार्ट, बहुत ईजी है, बहुत जल्दी सॉल्व हो रही है, ठीक है, इसलिए मैं सारे इसमें डिस्कस कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको तो कुछ करना नहीं, उन्होंने जस्ट ये कहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 जो आपने किया है उसको कैलकुलेटर से चेक करें। देन क्वेश्चन नंबर 9 एंड 11 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, फिलहाल इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपका टाइम भी तो थोड़ा सा बचाना है, इसलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस साइन था, माइनस और यहाँ पे है माइनस 7 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई माइनस 7 स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 का स्क्वायर। अभी देखो हमारे पास क्या होगा, 7 माइनस 2 निकालें 5 आ जाएगा, ठीक है, माइनस और माइनस 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई, माइनस 3 का स्क्वायर मीन माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 क्या होगा, 9, प्लस का 9 आएगा, ठीक है, प्लस 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 25 का स्केयर लें 25 आता है, 5 5 25 होगा, 3 9 ज़ा 27 माइनस 25 में से 27 निकाल दो हमारे पास, 27 में 25 निकाल दो 2 आता है, तो ये 2 इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। आपको होपफुली वो समझ आ रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ईजी है, आपने स्टेप बाई स्टेप सारे स्टेप कम्प्लीट करने, कोई मिसिंग नहीं करना और कोई आगे पीछे भी नहीं करना। अब मैं इसका एज पार्ट जो है वो दिया हुआ है हमें 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 10, ठीक है। अभी देखें इसका एज पार्ट है, इसके लिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है आपने, तो ब्रैकेट में क्या करेंगे, चिटूजा हो जाएगा हमारे पास 6, एंड पहले इसको कर लेते हैं, 3 6 माइनस 6 आ जाएगा माइनस 10, ठीक है, माइनस 6 एंड माइनस 10 है तो माइनस 6 एंड 10 कितने हो जाएंगे, माइनस 16 मल्टीप्लाई 5, और 5 को 16 से मल्टीप्लाई करना है हमने, 6 5 30 5 5 एंड 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 18।
ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है. देन हम बात करेंगे जे आई पार्ट, इसके काफ़ी लंबे पार्ट हैं लेकिन हाँ कंप्लीट हो जाएंगे. आई में क्या करना है जी, -12 डिवाइड 2 स्क्वायर माइनस माइनस 2 ब्रैकेट. ठीक है, अभी देखें पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2. ठीक है, एंड देन हमारे पास क्या है जी, -12 डिवाइड 4 एंड 2 क्या होगा 6, 6 डिवाइड -12, 6 एंड 12 का बात है 2 का, तो इसका होगा आंसर -2, क्योंकि दोनों में से किसी एक का साइन भी माइनस साइन है. मल्टीप्लाई या डिवाइड का ये रूल होता है कि हमने आंसर में भी माइनस लगाना है. ये ले लग गया. अब ना इसका लास्ट पार्ट जो है जे पार्ट, वो हम नेक्स्ट करेंगे. यहाँ पे स्पेस नहीं है, फिर यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कर लेते हैं जी. जे पार्ट है हमारे पास और यहाँ पे स्क्वायर रूट 10 मल्टीप्लाई 3 माइनस, सॉरी यहाँ पे आ रहा है 3 मल्टीप्लाई माइनस 2. हाँ जी, देखिए 3 टू ज़ा हो जाएगा हमारे पास 6, लेकिन माइनस 6. ठीक है, और 10 माइनस इसके रूट आप साथ लगाते हैं ना. अभी देखिए 16 एंड 10 को एडअप करेंगे, 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 और 6 को ऐड करेंगे 16 बन जाएगा. और 16 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो आता है हमारे पास इसके 4 मल्टीप्लाई 4 होता है 4 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 4. स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो इसका आंसर क्या हुआ 4. ये हमारे आज की वीडियो स्क्रीन पर कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. और अगर आपको कोई भी इशू है तो मुझे इस कमेंट में बता दिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आपका इशू रिजॉल्व करूँगी और डिस्कस करूँगी. और विश यू बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.